यस डियर ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालना है हमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल चार्ज्ड सेल, है ना, क्योंकि अनचार्ज का तो कभी केस बनेगा ही नहीं, तो स्फेरिकल चार्ज्ड सेल की बात करते हैं हम। ये एक शेल है, शेल समझते हैं ना, जो अंदर से क्या हो, होलो हो। ये कंडक्टर की भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की भी हो सकती है। अगर होलो है तो प्रॉब्लम हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो होलो है वो चार्ज्ड कंडक्ट मटेरियल की होगी, अनचार्ज जितना भी चार्ज देंगे सब इसके कहाँ आ जाता है, हमेशा सरफेस पे रहेगा, क्योंकि अंदर तो है ही नहीं ना कुछ, हवा है उसके अलावा कुछ भी नहीं, अंदर वैक्यूम है। तो हमने इसको चार्ज कितना दे दिया? क्यू चार्ज दे दिया। ओके, इस पर कितना चार्ज दे दिया? क्यू चार्ज दे दिया। अब हमको क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। इसके सेंटर से, इसके सेंटर से एक्स दूरी पर, अब एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, वहाँ पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरी बार केस फर्स्ट ये है आपका, इसको कह सकता हूँ केस फर्स्ट। अब सेकंड केस में पॉइंट पी कहाँ आ गया? ऑन द सरफेस। अगर मैं पॉइंट पी को खसका कर यहाँ ले आऊँ तो सेकंड केस कहाँ होगा? केस सेकंड मतलब ऑन द सरफेस की बात कर रहा हूँ। और केस थर्ड मतलब अंदर किसी पॉइंट पर, ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका, तो इसको क्या कह सकते हैं? इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, तीन केसेस है, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल और इनसाइड द स्फेरिकल सेल। इज इट क्लियर? आपको मैं बता दूं, अगर ये स्फेरिकल शेल कहा जाए या क्या कहा जाए, सॉलिड स्फेयर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, तीनों के लिए डेरिवेशन और जो वैल्यूज आती है वो सेम आती है। मैं पहले वैल्यूज लिख देता हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि हम क्या लेकर आने वाले हैं। अगर हमको पता रहता है कि कहाँ जाने वाले तो बहुत अच्छा लगता। केस फर्स्ट में पोटेंशियल जो आएगा उसको मैंने V1 के दिया। कितना लिखूँगा? के, इस गोले पे चार्ज कितना दिया गया? Q, और डिस्टेंस कितनी है? X, ये आएगा। अगर केस सेकंड की बात करूँगा, सेकंड केस मतलब सरफेस पे, तो कितना जाएगा? K Q/R। और तीसरा केस इनसाइड, ठीक है, उसको कह दिया V3। इनसाइड हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, इसलिए अंदर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती नहीं है, बस सरफेस के पोटेंशियल के बराबर ही मिलेगा। हर जगह इनसाइड पोटेंशियल कितना मिलेगा आपको? सरफेस के पोटेंशियल के बराबर KQ/R ही मिलेगा। मतलब आपके पास बाहर कितना है? KQ/X, और इनसाइड कितना है? ऑन द सरफेस कितना है? KQ/R, और इनसाइड हर जगह जितना सरफेस पर पोटेंशियल होता उतना ही रहता है। तो हम केसेस डेरिवेशंस को लाएं, तो हम तो एक एक केस करेंगे भैया, धीरे धीरे करेंगे। केस फर्स्ट, अब मुझे पता है कि dV इक्वल टू होता है -EdR, पढ़ा अपन ने, पढ़ाई अपन ने तो EdR। नाउ अगर मैं, मेरा एक पॉइंट इन्फिनिटी मान लो, दूसरा पॉइंट क्या मान लो? P, तो यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रेशन dV, और लिख देता हूँ इन्फिनिटी से पॉइंट P, मतलब पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी निकल आएगा इक्वल टू। इधर इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस बाहर लिखा EdR, ओके, और लिमिट इन्फिनिटी से पॉइंट पी की, और पॉइंट पी कितनी दूरी पर है भैया? क्योंकि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ डिस्टेंस की लिमिट रखना पड़ेगी। पी नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? पॉइंट पी की सेंटर से दूरी। तो पॉइंट पी की सेंटर से दूरी कितनी है? एक्स है। कितनी है वो? एक्स है, तो एक्स लिख देता हूँ, चलेगा। अगर मैं इसको आर मानता तो यहाँ क्या लिख देता? आर लिख देता, चलो कोई बात नहीं। अभी आप समझिए कि मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, और किसी क्षण मैंने माना कि सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी है? आर है। कितनी है?
आर, और ये बहुत पॉइंट बहुत ही क्लोज है, और ये दो पॉइंट ले लिए, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया, डी आर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मानी मैंने, ई मानी, कहाँ पर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ओके, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पता है कि क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, तो यहाँ दूरी कितनी है भैया यहाँ तक की, आर, तो यहाँ क्या लिखूँगा, आर स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डी आर, तो यहाँ डी आर लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, तो कहाँ से कहाँ तक करना है, इन्फिनिटी से एक्स, क्योंकि वास्तव में कहाँ से कहाँ तक ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से एक्स, मैं वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वर्क डन निकालने का तरीका यही होता है कि पहले स्मॉल वर्क डन निकालो, फिर उसका क्या कर दो, जहाँ से लेकर आ रहे हो और जहाँ तक लाए हो उस लिमिट के बीच में इंटीग्रेट कर दो। माइनस के क्यू बाहर हो गया और वन अपान आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस वन बाय आर, और लिमिट लग गई इन्फिनिटी से एक्स। चलते चलें, आप देखते चलें क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसल, तो के क्यू अपान में क्या हो जाएगा, माइनस तो ख़त्म हो चुका है, तो वन अपान कितना जाएगा एक्स, माइनस वन अपान कितना जाएगा इन्फिनिटी, वन अपान इन्फिनिटी कितना हो गया आपका जीरो, तो कितना जाएगा ये आपका, इधर क्या निकाल रहे थे पहले, इधर भी हम बात कर लें, क्या निकाल रहे थे, वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, और मैं आपको बता चुका हूँ कि फिजिक्स में एक एजम्पशन है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, तो वी पी माइनस जीरो आ जाएगा, और वी पी माइनस जीरो मतलब हमारा कितना आ गया, वी पी पोटेंशियल एट पॉइंट पी, और पहली बार अपन ने पॉइंट पी कहाँ लिया था, फर्स्ट पे, तो के क्यू अपॉन कितना जाएगा एक्स, तो पोटेंशियल एट फर्स्ट पॉइंट, समझ में आ रहा है, कहाँ कितना आया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कितना आ गया एक्स, मैंने यही लिखा था के क्यू बाय एक्स, बहुत सिंपल तरीके से आ गया। अगर मैं ध्यान से समझ लीजिए, अगर मैं केस सेकंड पर जाता हूँ, तो केस सेकंड में क्या करूँगा, इन्फिनिटी से आर इंटीग्रेशन करता, क्या करता, मुझे अगर यहाँ पर निकालना है तो मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से लाऊंगा, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना, उसी को कहते हैं पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल किसको कहते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, याद होगा ना आपको, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो अभी तो मैं कहाँ लाया था, पॉइंट पी पे लाया था, पॉइंट पी की दूरी कितनी थी एक्स, अब मैं इन्फिनिटी से कहाँ लेकर आ रहा हूँ, इस सरफेस वाले पॉइंट पर, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से खसकाते खसकाते खसकाते, अब जब डिस्टेंस कितनी बची, कैपिटल आर। तो जब मैं ऑन द सरफेस की बात करूँगा, तो ऑन द सरफेस के केस में यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी आर, ऑन द सरफेस के केस में यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी आर, यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी आपकी आर, ऑन द सरफेस के केस में यहाँ क्या आ जाएगा आर, यहाँ क्या आ जाएगा आर, यहाँ क्या आ जाएगा आर, समझ में आ रहा है। तो आपका ऑन द सरफेस वाला केस यहाँ हो जाएगा प्रूफ, इज इट क्लियर। तो ये मेरे दो पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब बात आती है थर्ड केस की, थर्ड केस मतलब इनसाइड वाले केस में, ठीक है, इनसाइड वाले केस को भी हम कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, पहले इसको रफ कर देना आपके लिए थोड़ा सा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपका पॉइंट पी कहाँ आ चुका है, अंदर आ चुका है, ठीक है साहब, अंदर आ चुका, तो कोई बड़ी बात थोड़ी हुई हमारे लिए, हम करते हैं इसको। अंदर जो है पॉइंट वो कितनी दूरी पर है, यहाँ मान लेते हैं, और इस वक्त इस पॉइंट की दूरी कितनी मान ली अपन ने, एक्स मान ली, चला कितना मान लिया एक्स। अब यहाँ पर एक्स क्या हो चुका है आपका केस थर्ड में, केस थर्ड जिसमें एक्स क्या है, आर से छोटा है। पहले केस में एक्स आर से बड़ा था, दूसरे केस में एक्स और आर बराबर हो गए, तीसरे केस में जो पॉइंट है वहाँ पर क्या है, एक्स कैपिटल आर से क्या है, स्मॉल है। तो अब क्या करेंगे, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाना है, मतलब आपका पॉइंट पी कहाँ चुका है, अंदर। तो भाई किसी चीज़ को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना है ना, तो ऐसा करो पहले इन्फिनिटी से सरफेस तक लाओ, और फिर सरफेस से अंदर लाने का वर्क कर लो, दो स्टेप में वर्क डन कैलकुलेट कर लो, एक इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, प्लस सरफेस से लेकर अंदर पॉइंट पी तक आने में कितना कार्य करना पड़ा। ओके, तो इन्फिनिटी टू आर प्लस इंटीग्रेशन आर टू एक्स, इज इट क्लियर। आर से खसकाते खसकाते उसको कितना लिया है, एक्स दूरी पे लिया है, और क्या लिख दोगे, ई डी आर। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, माइनस इन्फिनिटी टू आर, ई की वैल्यू कितनी है आपके पास,
वन अपान फोर पाई, अब के लिखता हूँ के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर प्लस इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है जीरो इंटू क्या लिख दिया डी आर कैपिटल आर टू एक्स, तो ये टर्म कितना हो जाएगा जीरो आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन अभी अपन कर चुके थे, कितना आया था के क्यू बाय कैपिटल आर। तो हमने क्या पाया कि इनसाइड जब पॉइंट पी चले गया तो पोटेंशियल किसके बराबर आ रहा हर जगह सरफेस के पोटेंशियल के बराबर। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जब हम कभी स्फेरिकल शेल की बात करेंगे तो स्फेरिकल शेल में स्फेरिकल शेल के बाहर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा के क्यू बाय एक्स, ऑन द सरफेस पे कितना होगा के क्यू बाय कैपिटल आर, जहाँ पे कैपिटल आर क्या है स्फेरिकल शेल की रेडियस है। और थर्ड केस जो है जब हम अंदर आ गए तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा सरफेस के पोटेंशियल के बराबर, अंदर हर जगह पोटेंशियल कितना होगा सरफेस के पोटेंशियल। एक इसका ग्राफ भी बना लेते हैं अपन, मान लीजिए कि ये कैपिटल आर है, ये एक्स है पूरा आपका, यहाँ से वहाँ तक एक्स है, परंतु यहाँ एक्स और आर क्या है बराबर, तो सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना है आपने आपने निकाल के रखा है सरफेस पे पोटेंशियल कितना है के क्यू बाय आर, और अंदर हर जगह ये पोटेंशियल क्या है फिक्स। ये आप क्या लिख रहे हो एक्स बराबर आर, अगर एक्स आर से कम हुआ मतलब आप गोले के अंदर जा चुके हैं स्फीयर के अंदर जा चुके हैं, और स्फीयर के अंदर हर जगह पोटेंशियल कितना है के क्यू बाय आर, सरफेस पे भी कितना है के क्यू बाय आर, और उसके बाद आपका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होता है घटता जाता है, इसको मिलाना भी नहीं है, मिलेगा कहाँ एट इनफाइनाइट। और ये क्या लिखाएगा के क्यू बाय एक्स, ये कहाँ है बाहर, ये कहाँ है सरफेस पर और इनसाइड, तो ये रिलेशन है किसके वी और एक्स के बीच में। तो समझ में आ गया ये कौन कौन से केस के लिए, स्फेरिकल शेल के लिए भी है, सॉलिड स्फीयर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल जो होगा आपका उसके लिए भी है। सॉलिड होने के कारण क्या होता है जैसे आयरन की कोई बॉल हो तो जितना भी हम चार्ज देंगे वो पूरा चार्ज उस बॉल के आउटर सरफेस पर आ जाएगा। कंडक्टर की विशेषता होती है कि कंडक्टर को जितना भी चार्ज देते हैं वो कहाँ फैला देता है उसके आउटर सरफेस पर, अंदर नहीं रहता कंडक्टर के अंदर। इज इट क्लियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो अब हमने क्या पढ़ लिया फाइनल कंक्लूजन कि स्फीयर के केस में पोटेंशियल आउटसाइड कितना होता है के क्यू बाय एक्स, सरफेस पे कितना होता है के क्यू बाय आर, अंदर हर जगह कितना होता है के क्यू बाय आर। मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल दूंगा तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा स्फेरिकल शेल का। ओके, अब हम इसका नॉन कंडक्टिंग वाला केस करेंगे कि अगर ये स्फीयर कैसा होता नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का तो क्या होता और सॉलिड होता, क्योंकि स्फेरिकल शेल है भले वो किसी की भी हो कंडक्टिंग मटेरियल की हो कि नॉन कंडक्टिंग की, डेरिवेशन यही है सब आएंगे। सॉलिड स्फीयर है कंडक्टिंग मटेरियल तो भी आ जाएगा, परंतु एक चौथा केस जो होता है सॉलिड स्फीयर ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, उसके अंदर पोटेंशियल हर जगह बदलता है, तो हमको अंदर के पोटेंशियल पे भी वहाँ पर डिस्कशन करना है। सो आप तैयार रहिए मेरे साथ। ओके, मैं जब तक बोर्ड रफ करता हूँ। ओके, थैंक यू। यस, 12th क्लास स्टूडेंट्स, आपके सामने बोर्ड पर एक हेडिंग दिख रही है, वो क्या दिख रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। देखे जरा, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है और इसमें भी ध्यान रखना इसमें हमारा चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा चार्ज इसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर ये सॉलिड स्फीयर होता और कंडक्टिंग मटेरियल का होता तो चार्ज अंदर रहता ही नहीं, चार्ज कहाँ फैल जाता इसके केवल आउटर सरफेस पर फैल जाता। तो उस केस में हमने क्या पढ़ा था पोटेंशियल की वैल्यू आउटसाइड कितनी होती है के क्यू बाय एक्स, कितनी होती है के क्यू बाय एक्स, और ऑन द सरफेस कितनी होती है के क्यू बाय आर। तो ये हमारे आउटर और ऑन द सरफेस वाले केस, तो इसमें भी वही आंसर देंगे, केवल क्या है कि स्फेरिकल शेल की बात करें या हम सॉलिड स्फीयर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें, अंदर हर जगह पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर था क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी जीरो थी, परंतु इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो अंदर नहीं होती है, तो थोड़ा सा परिवर्तन है। आप ध्यान से समझें, मैं सिंपल सिंपल सी बात करूँ, मेरे को तीनों केस करना नहीं चाहिए फिर भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट मतलब आपका जो एक्स है वो ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर। अब मतलब ये जो कैपिटल आर है और जो पॉइंट आप ले रहे हैं उस पॉइंट की जो दूरी है एक्स वो आर से क्या है आपकी बड़ी है, तो आपका पॉइंट पी क्या माना जाएगा, आउटसाइड द स्फीयर माना जाएगा। इज इट क्लियर। तो इस केस में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पॉइंट पी पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बताया था कि डी वी इक्वल टू होता है माइनस ई डी आर, पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने पिछले डेरिवेशन में पूरी एक एक स्टेप सिखाई है, आप उसको ध्यान से देखें। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, या dv इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ dv इधर लिखा है तो इधर भी क्या लिख सकता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ edr। अगर मैं पहला पॉइंट इन्फिनिटी मान लूँ और दूसरा पॉइंट p मान लूँ, इन्फिनिटी पे दूरी कितनी होती है इनफाइनाइट, और पॉइंट p की दूरी कितनी है x, पॉइंट p की दूरी सेंटर से कितनी है x, मतलब आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से खसकाते खसकाते कहाँ तक ला रहे हो, पॉइंट पी तक ला रहे हो, तो कितना वर्क डन करना पड़ा और उसके हिसाब से पोटेंशियल निकालते हैं। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको पता है, आर दूरी पर अभी अपन ने एक्स लिया है तो एक्स तक तो अपने को निकालना है, तो एक कॉमन फार्मूला आर डिस्टेंस का हम लिखेंगे, इन्फिनिटी टू एक्स पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे कितना होगा, ये डी वी लिख दिया गलत, डी आर होना चाहिए था गुप्ता जी। नाउ ई की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। ओके, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये दोनों सेम टर्मिनोलॉजी में होता है, अगर ये एक्स होता तो ये एक्स होता, ये आर होता तो ये आर होता। ओके, हो सकता आप लिमिट आर देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। इसका पूरे का हमने इंटीग्रेशन करा था तो यहाँ पर कितना आया था वी पी माइनस कितना आया था v इन्फिनिटी, और फिजिक्स में एजम्पशन है कि v इन्फिनिटी कितना होता है जीरो, तो पोटेंशियल एट पॉइंट p कितना आ गया था के क्यू बाय एक्स, कब, जब आपका x ग्रेटर देन क्या था r था, के सेकंड आया था जिसमें x इक्वल टू क्या किया था r, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या कर दी थी इन्फिनिटी टू r कर देना था। ठीक है, अब आपका पोटेंशियल केस फर्स्ट में और पोटेंशियल एट केस सेकंड, जब पॉइंट पी कहाँ चुका है सेकंड बिंदु पे, सेकंड बिंदु मतलब ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस के केस में कितना था के क्यू बाय आर, यही आंसर हमारे स्फेरिकल शेल में भी आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल एक ही अंतर है कि यहाँ जब पॉइंट अंदर आ जाता है, पॉइंट पी हमारा अंदर आ जाता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है, जिसके कारण अंदर पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर नहीं होता, अंदर पोटेंशियल में वेरिएशन होता है, तो हमको अंदर के पॉइंट पर अलग से पोटेंशियल का एक डेरिवेशन करना है। ये डेरिवेशन वैसे ही होंगे जैसे कि हमने शेल के केस में किए थे या सॉलिड स्फीयर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल केस में किया था। अब क्या होगा अगर आपका पॉइंट पी बाहर है, अंदर है, सॉरी पॉइंट पी कहाँ चुका है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, तो आप ध्यान से दे, मतलब आपका ये जो एक्स है, मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की जाती है। अब आपका एक्स इतना बचा, कितना बचा आपका एक्स, ये दूरी बची है, आपको अब चार्ज को कहाँ से लाना है इन्फिनिटी से, कहाँ तक लाना है यहाँ तक, तो आप पहले इन्फिनिटी से सरफेस तक लाओ, आर तक लाओ, और फिर आर से कहाँ ले जाओ एक्स तक, तो मतलब जो ये इंटीग्रेशन है इसको दो टुकड़ों में कर दे, माइनस तो बाहर रख ही देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन ऐसा लिखता हूँ इन्फिनिटी से आर ई डी आर, क्योंकि यहाँ ई की वैल्यू कुछ और है, चलो नाउ प्लस अंदर इंटीग्रेशन आर टू क्या लिखेंगे, आर टू लिखेंगे एक्स, और कितना हो जाएगा आपका ई डी आर। यहाँ पर अंदर वाली वैल्यू रखना है, सरफेस वाली वैल्यू नहीं रखना है, क्योंकि पॉइंट जस्ट इनसाइड द सरफेस मानना है, मतलब आप कहाँ से कहाँ निकाल रहे हो, पहले इन्फिनिटी से आर पर आए और इसके थोड़ा सा अंदर आप पॉइंट मानो और यहाँ से एक्स पर जा रहे हो, सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है और अंदर अलग है, इसलिए एकदम अपन एक वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखें, माइनस ई की बात करो आउटर केस में, इसका तो फॉर्मूला आपको पता है यार, इस पूरे डेरिवेशन को अपन ने भी करा था, ऑन द सरफेस वाले केस में कितना आया था आपका, आप बताइए, माइनस को अंदर ले आता हूँ तो माइनस इसके साथ भी आ जाएगा, माइनस इसके साथ भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, माइनस दोनों के साथ आ गया। ओके, अब इसका तो हमने इंटीग्रेशन पूरा करा था,
और इसका आया था के क्यू बाय कैपिटल आर, ये तो आया था। बात तो इसकी है कि ये एक्स्ट्रा टर्म है हमारा माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब इनसाइड द स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू इंटू होता है डी आर, ये आता है। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, कैपिटल आर से एक्स, ये आपको याद रखनी है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करो अगले टर्म का और फिर वो वैल्यूज यहाँ रखाएगी। चलिए हम कर देते हैं, यहाँ पहले करते हैं के क्यू बाय आर, इसके साथ कोई चेंजेस नहीं, ये माइनस बाहर था, वन दो के को बाहर कर दो, क्यू को बाहर कर दो, अपॉन के आर क्यूब को बाहर कर दो, ये कितना है स्मॉल आर, ये डी आर, स्मॉल आर डी आर का इंटीग्रेशन कितना होगा आर स्क्वायर बाय टू, आर स्क्वायर बाय टू, वो टू मैंने आगे रख दिया चलेगा, और अपॉन ब्रैकेट बंद करके हम लिमिट लगा देते कैपिटल आर टू एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करते जाते हैं लिमिट की, है ना, के क्यू बाय कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन क्या जाएगा टू आर क्यूब, ओके, इधर क्या लिखाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप चाहो तो इस माइनस को अंदर ले लो तो कितना आ जाएगा के क्यू बाय आर, ये तो यहाँ था, इसको अंदर लाऊंगा तो ये टर्म माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो जो प्लस का हो जाएगा उसको पहले लिख देता हूँ, प्लस ये कटेगा तो के क्यू बाय टू आर बचेगा, और फिर माइनस यहाँ बचेगा के क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब। अब इसमें से देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों टर्म एक जैसे हैं, ये के क्यू बाय आर है और ये के क्यू बाय टू आर है, मतलब ये पूरा है, ये आधा है, मतलब थ्री बाय टू बचेगा, तो थ्री के क्यू बाय टू आर आ जाएगा, ओके, माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब। अब यहाँ से टू आर दोनों तरफ से कॉमन नीचे से निकल सकता था और के क्यू भी निकल सकता था, के क्यू बाय टू आर हमने बाहर कर दिया तो क्या बचा भैया, के क्यू बाय टू आर बाहर कर दिया तो थ्री, अच्छा माइनस के क्यू बाय टू आर कर दिया तो यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर बाय कितना आ गया आपका आर स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कहाँ पर इनसाइड द पॉइंट, कितनी दूरी पर है सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर पर कितनी दूरी पर है एक्स डिस्टेंस पर, इज इट क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ से, यहाँ क्या लिखा हुआ है थ्री के क्यू बाय टू आर और यहाँ ये है माइनस का, मैंने क्या कॉमन निकाला के क्यू बाय टू आर कॉमन निकाला तो बचा कितना थ्री, और यहाँ से के क्यू बाय टू आर निकाला तो ये बचा। अब मैं सेंटर की बात करता हूँ, कहाँ की बात करता हूँ एट द सेंटर, तो ये एट द सेंटर क्या हो जाएगा आपका एक्स, धीरे धीरे एक्स कम होते जा रहा है तो एट द सेंटर क्या हो जाएगा, सोचें आप एट सेंटर, एट सेंटर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो, तो ये वैल्यू यहाँ रख दे एक्स इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा के क्यू बाय टू आर और यहाँ बचेगा थ्री माइनस जीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये कितना हो जाएगा थ्री बाय टू के क्यू बाय आर। ये तो किस पे था, सरफेस पे था, तो सेंटर पे सरफेस के पोटेंशियल का डेढ़ गुना 1.5 टाइम्स होता है, मतलब सेंटर पे ज़्यादा होता है, मतलब सेंटर से जैसे जैसे सरफेस पे आते हैं पोटेंशियल क्या होता है कम होते जाता है, और सरफेस पे कितना हो जाता है के क्यू बाय आर, और फिर उसके बाद और बाहर जाने पे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ये आप एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके लिख लें, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, उसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, चलिए बनाते हैं अपन इसका ग्राफ।
मैं आपको ग्राफ के समझाता हूँ। ये सेंटर है अपना O और ये x धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये हो गया मान लो आप x इक्वल टू r वाली बात है। अब सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है आपका के क्यू बाय आर, ये हाइट जितनी है उसका आधा मतलब इतनी हाइट आप यहाँ पर और ले आओ तो ये हो गया आपका के क्यू बाय आर और इसके आगे क्या लिख सकते हैं 1.5 मतलब 3/2। तो इतनी वैल्यू होती है कहाँ पर, सेंटर पे। तो सेंटर से ये यूँ कम होते जाता है धीरे धीरे जाएगा, सेंटर से क्या होते जाएगा कम होते जाएगा। ओके आप चाहो तो ऐसा ग्राफ बनाओ, ऐसे बनाओ, ठीक है स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना। थोड़ा सा ये कर्व यूँ दिखाया जाता है, उसके बाद जब बाहर जाते हैं तो ये तेज़ी से और कम होता है। तो ये कहाँ का हो गया के क्यू बाई एक्स, ये आउटसाइड ऑन द सरफेस कितना होता है के क्यू बाई आर और अंदर जाने पे धीरे धीरे क्या होता है बढ़ता है और सेंटर पे कितना हो जाता है मैक्सिमम सेंटर पे कितना हो जाता है 3/2 टाइम्स मतलब डेढ़ गुना किसका सरफेस के पोटेंशियल का। कौन सा केस है सॉलिड स्फीयर, किस कौन से मटेरियल का नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का। सो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था, ग्राफ इंपॉर्टेंट था, तो आप इसकी तैयारी करें। मेरा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। इसी के बाद में हो सकता है कि एक रॉड वाला डेरिवेशन और आपको करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।